हस्ताक्षर या सिग्नेचर करना एक आम बात है, तमाम कानूनी काम बिना सिग्नेचर के नहीं किया जा सकता, लेकिन जापान के लोग सिग्नेचर में अपने नाम के स्थान पर एक विशेष प्रकार का स्टैम्प का उपयोग करते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। छोटे से छोटे काम में भी सिग्नेचर आवश्यक होता है। हम लोग तो सिग्नेचर अपने नाम से ही करते हैं, लेकिन जापान के लोग सिग्नेचर में अपने नाम के स्थान पर एक विशेष प्रकार का स्टैम्प का उपयोग करते हैं, जिसे इंकन या हैंको कहते हैं। और ऐसा सिर्फ जापान के लोग ही नहीं, बल्कि कोरिया और चीन के कुछ भागों में भी पहचान के लिए सिग्नेचर के स्थान पर स्टैम्प का उपयोग किया जाता है। हैंको एक विशेष प्रकार का स्टैम्प होता है, जिस पर जापानी अक्षर में संबंधित व्यक्ति का नाम रहता है। ये स्टैम्प लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इसमें लाल रंग की स्याही का उपयोग होता है, जिसे शुनिकु कहा जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी रोचक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।